गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्धमान ई लर्निंग क्लासेस। अर्लियर वी हैव रीड अप टू द अबाउट ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इससे पहले वाला जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसके भी 3 टाइप्स है और उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीड अप अबाउट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हम सॉफ्टवेयर के बारे में ही पढ़ रहे हैं जिनके मल्टीपल टाइप्स हैं और फिर उनके अंदर जो स्पेसिफिक टास्क को करने की क्या कैपेसिटी है और वो कैसे करते हैं और उनके अंदर भी उनके क्या पार्ट्स हैं उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो है द सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक कैलकुलेशन, एनालाइजिंग फिगर्स, अरेंजिंग डेटा इन डिफरेंट फॉर्म्स, मेंटेनेंस ऑफ पेरोल सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ रिजर्वेशन इन डिफरेंट एरियाज एक्सेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हमारा जो तात्पर्य है वो है जो कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है, मतलब कि प्रोग्रामर द्वारा जो प्रोग्राम्स होते हैं हर प्रोग्राम को एक स्पेसिफिक टास्क या एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए तैयार किया जाता है। लाइक अगर कैलकुलेशन है तो उसका कार्य कैलकुलेशन करने के लिए है और अगर एनालाइजिंग फिगर्स है तो उनका काम यही है कि जो भी आपने आंकड़े तैयार किए हैं उनके बारे में एनालिसिस करना, उनके बारे में आपको प्रोसेसिंग करना, रिजल्ट निकालना। फिर अरेंजिंग डेटा इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स में जो डेटा होता है उनको अरेंज करना, अगर डिलीट हो गया है तो उसको रीअरेंज करना। मेंटेनेंस यानी रखरखाव, मेंटेनेंस ऑफ रिजर्वेशन इन डिफरेंट एरियाज यानी मतलब जो डिफरेंट एरियाज होते हैं उनमें रिजर्वेशन यानी आरक्षण यानी रखरखाव, उनका भी रखरखाव करना। ये सब किसके अंदर आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसा कि हमारे मोबाइल में भी हमने यूज़ किया है कि हमारे मोबाइल में हर ऐप हर चीज़ को या हर काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक ऐप होता है जिसके द्वारा हम काम करते हैं। लाइक अगर हमारे पास हमारे मोबाइल में कैलकुलेटर है तो हम उससे कैलकुलेटर का ही काम करेंगे और कैलेंडर है तो हम उससे कैलेंडर का ही वर्क करेंगे। मतलब कैलकुलेटर का वर्क कैलेंडर नहीं कर सकता और कैलेंडर का वर्क कैलकुलेटर नहीं कर सकता। यानी जो एप्लीकेशन जिसके लिए बनाई गई है उसके लिए जो उसका जो कार्य है वो सिर्फ वही कर सकती है, उसके अलावा उस कार्य को कोई दूसरा ऐप नहीं कर सकता, इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये जो भी हमने आगे अभी जो भी पढ़ा कि मतलब रखरखाव करना, रीअरेंज करना, एनालिसिस करना और कैलकुलेशन करना, ये सभी किसकी श्रेणी में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। दीज कैन फर्दर बी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इनको भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है हमारा जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सेकेंड है स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो हमारा जो फर्स्ट टाइप है जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड फॉर जनरल पर्पज एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल्स। अब जो जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको जनरल पर्पज यानी सामान्य उद्देश्य, रिक्वायरमेंट्स यानी सामान्य उद्देश्य और सामान्य आवश्यकताओं के लिए उसको बनाया गया है, और लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल मतलब इस सॉफ्टवेयर का अधिक से अधिक लोग उपयोग कर सके उसके लिए इसको डेवलप किया गया है, जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं होते हैं पर्पज, नॉर्मल होते हैं, जनरल होते हैं, कोई भी आम तौर में जो देखे जाते हैं वो होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आर द एग्जाम्पल ऑफ जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मल्टीमीडिया है, ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, किसके उदाहरण के रूप में किसके उदाहरण है? जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम इन डिटेल्स। अब इसमें से जो कुछ है जिनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और जो उनके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें फर्स्ट हमारा होगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी।